सबसे पहले तो हरि कृष्ण ग्रुप जो 1992 में स्टार्ट हुआ गुजरात और महाराष्ट्र मुंबई में डायमंड का काम कर रहे हैं। आज की तारीख में हरि कृष्ण ग्रुप में 9000 लोग है। पूरा डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग है, ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग है। और आज हमने ये हमारा कृष्णा का 35वां शोरूम इंडिया में स्टार्ट हुआ, वैसे महाराष्ट्र में सेकंड है। और हरि कृष्ण ग्रुप का तो 101 कंट्री में एक्सपोर्ट है डायमंड का, 45 कंट्री में ज्वेलरी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और 2005 में कृष्णा ब्रांड स्टार्ट किया कि फॉरेन में तो डायमंड बेच रहे पर इंडिया में हमारे कंज्यूमर क्यों नहीं पहने, वो प्लान से हमने 2005 में कृष्णा ब्रांड स्टार्ट किया। हमारा लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, हर कंज्यूमर के चेहरे में खुशियाँ देखना चाहते हैं। तो इंडिया में तो करीबन 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 750 डिस्ट्रिक्ट है, तो हम चाहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में एक कृष्णा का शोरूम होवे। तो हमारा लक्ष्य है हर घर कृष्णा, हर घर पे पहुंचने के लिए इंडिया में जितना डिस्ट्रिक्ट है उतना हमारा शोरूम होना चाहिए। लेकिन पहला गोल हमारा ये है कि 365 शोरूम कृष्णा में, बहुत सारा यूनिकनेस है। लेकिन एक यूनिकनेस है कि एक साल होने से आज 9 तारीख है, अगले 9 तारीख को इधर ब्लड डोनेशन कैंप रखेंगे। तो हर रोज़ पूरे इंडिया में किधर न किधर ब्लड डोनेशन कैंप होवे, उसके लिए पहला टारगेट हमारा 365 शोरूम का है। तो आज उसमें 35वां है और कृष्णा ब्रांड पे लोगों को विश्वास है। उसकी पॉलिसी जो है बहुत ट्रांसपेरेंसी है, उसकी जो डिज़ाइन है वो कंज्यूमर को पसंद है। और हरि कृष्ण ग्रुप में बाकी सभी ब्रांड से जो अलग है, हरि कृष्ण ग्रुप डायमंड का भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, माइनिंग से रॉ मटेरियल लेके आते, ज्वेलरी भी मैन्युफैक्चरिंग करते और फ्रेंचाइज के थ्रू सीधा स्टोर के थ्रू सीधा कंज्यूमर के पास पहुँचते। तो ये पूरी चैनल वाले इंडिया में कोई कंपनी नहीं है जो हरि कृष्ण है। तो कंज्यूमर को उसके लिए उसके बेस्ट प्राइस में भी मिलती है, एक्सपोर्ट का काम है तो यूनिक डिज़ाइन भी है और अलग अलग बहुत सारे CSR एक्टिविटी भी करते हैं। लेकिन हमने सोचा हुआ हर कंज्यूमर के नाम से एक पौधे डालेंगे, तो पुणे में जितना प्रोडक्ट बिकेगा उसके नाम से कंज्यूमर के नाम से एक पौधे डालेंगे। और हर 9 तारीख को जितना प्रोडक्ट बिका उसके नाम से कंज्यूमर के नाम से खाना खिलाएंगे, जो आज की तारीख में पर्यावरण के ज़रूरी है। तो हम प्लांटेशन भी करते, हरि कृष्ण ग्रुप का आपने सुना होगा हमने 150 से ज़्यादा लेक बनाए, जो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होगा या तो और होगा वो पानी का होगा, तो पानी हम सभी को बचाना चाहिए। तो बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं, पर अल्टीमेटली लक्ष्य ये है कि भाई इंडिया जो है बहुत आगे बढ़ रहा है और हम सभी को उसमें शामिल होना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए, तभी इंडिया सुपर पावर बनेगा। एक दिन तो बनने वाले, जो इंडियन ब्रांड जो ग्रोथ नहीं करेगी तो फॉरेन की ब्रांड आके, हम इधर भी मॉल में देखते बहुत सारे फॉरेन की ब्रांड है, तो हम चाह के इंडिया की ब्रांड ग्रो है, उसमें कृष्णा का नाम है और कृष्णा सभी कंज्यूमर को पसंद है। उसके लिए इतना फास्ट में फास्ट रिस्पॉन्स मिला हुआ है, 35 शोरूम का जो इनोग्रेशन है, 74 का बुकिंग हो चुका है, तो बहुत जल्दी 100 शोरूम कृष्णा ब्रांड पूरा करेगा। ये जो हमारी डिजाइन है 50,000 स्टोन है वो डायमंड में, अभी तक वर्ल्ड में ग्रीनीज ऑफ बुक में हमारा नाम आया हुआ है, कोई 50,000 रिंग वाले बनी नहीं है। तो ये जो मास्टरी है वो आर्टिस्ट की स्किल है और कंज्यूमर कोई भी देखेंगे कि ये यूनिकनेस जो कृष्णा में है। तो वैसे हरि कृष्ण ग्रुप इनोवेशन में जाना जाते हैं, तो बहुत सारा अलग अलग ऐसे इनोवेशन प्रोडक्ट भी करते और काम भी करते हैं। सर, आपको वाटर कंजर्वेशन के लिए पद्मश्री मिला है और आपके बीच में बहुत बड़ी न्यूज़ छाई थी 2017 में, आपने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए कार और फ्लैट्स दिए हैं, ये बात आपकी सही है। हम वैसे फार्मर है, पिताजी फार्मर है, आज भी 85 की एज में फार्मिंग करते हैं। वो दो चीज़ बोला हुआ, विश्वास और मेहनत, ये दो चीज़ करते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ के गए। ऐसा लोगों ने काम किया, हमारी कंपनी में ये सिस्टम है, इंसेंटिव बेस पे सिस्टम है कि सामने वाले को कितना कमाने का खुद डिसाइड करे। वो बेस पे हमने 2014 में और 18 में एम्प्लॉय को गाड़ी दिया था। अपने बात किया पद्मश्री का, तो 2022 में ब्रदर सौजी भाई को पद्मश्री मिला। हमने 150 से ज़्यादा लेक बनाए और 30 लाख पौधे डाले हैं और 1 करोड़ पौधे का हमारा प्लान है। तो जो पर्यावरण का प्रॉब्लम है, हमारा धौलकिया फाउंडेशन है, वो प्लांटेशन का काम करते हैं, अलग अलग बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं। लेकिन उसकी वजह से लोग जानते को हरि कृष्ण ग्रुप ने गाड़ियाँ दिया था। अभी भी प्रमोशन है, हमारे पराग भाई डायरेक्टर उसके बारे में आपको बताएंगे। हाँ जी, हाँ, एक मिनट सर। जैसे श्री घनश्याम भाई ने शेयर किया, हमारा जो बहुत बड़ा विजन लेके हम चल रहे हैं कि हर घर कृष्णा, और उसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचना है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम फ्रेंचाइजी बनाने वाले हैं हर जगह पे। और जो बात की
कि हरे कृष्ण ग्रुप जाना ही जाता है गाड़ियों के लिए, तो ये बार हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर श्री घनश्याम भाई है उसने सोचा कि अभी तक तो एम्प्लॉय के लिए कर रहे थे, आपने देखा कि सबके लिए सोसाइटी के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन ग्राहक जो कस्टमर है हमारे लिए उनके लिए क्या। तो जैसे उन्होंने बताया कि पहले तो प्लांटेशन है, तो ये स्टोर से और महाराष्ट्र और इंडिया के 35 स्टोर में से रोज जितने पीस बिकते हैं उतने हम पौधे लगाएंगे। तो मानो ये दुकान से ये महीने 300 पीस बिके तो 300 पौधे लगाएंगे और 9 तारीख को 300 लोग को नीडी को हम लोग खाना खिलाएंगे। तो ये एक है, लेकिन कंज्यूमर जिसके वजह से कृष्णा चलता है, हम चलते हैं, उसके लिए हमने ये बार रखा है हमारा बहुत बड़ा प्रमोशन। और आपके माध्यम से मैं सारे कंज्यूमर को बताना चाहूँगा, अब की बार आपके लिए तो हमने 100 से भी अधिक गाड़ियों का एक बहुत बड़ा प्रमोशन रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ी ऐसी चीज़ है कि लोगों को खुशी देता है, एक बोलते ना अचीवमेंट का सेंस होता है उसमें, ये बात है। और आपके माध्यम से मैं हर एक कंज्यूमर जो है महाराष्ट्र का पुणे का उसको बताऊंगा कि जैसे बताया गया कि कृष्णा 45 कंट्रीज़ के प्लस ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा हमारा लर्निंग रहा है, हमारा रिसर्च रहा है कि क्या हो रहा है। तो आप सब जानते ही हैं कि आज जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, कंज्यूमर का ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो कंज्यूमर को आज पहले था कि कोई डिज़ाइन लॉन्च होती थी, कोई फैशन लॉन्च होता था, न्यूयॉर्क में होता, 2 साल के बाद मुंबई आता और फिर 3 साल के बाद यहाँ पे आता है। लेकिन सोशल मीडिया के हिसाब से अभी न्यूयॉर्क में हुआ, अभी यहाँ पे हुआ, और ये आपके ही कंज्यूमर को ये सारा चाहिए। तो हमने जो हमारी डिज़ाइन है सारी फ्यूजन ज्वेलरी है, आप लोग हमें एक बार हमारे स्टोर पर आइए, एक बार डिज़ाइन को देखिए, हमारा जो पीस है गिनीज बुक का उसको देखिए, तो आपको पता चलेगा कैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है। उसके लिए घनश्याम भाई ढोलकिया साहब हमारे दोस्त है, तो उनको तहे दिल से पुणेकरांकडून आणि मालपानी फॅमिलीकडून त्यांचं खूप खूप अभिनंदन। 35व्या शोरूमबद्दल त्यांचे त्यांना बेस्ट विशेष आणि पुढील वाटचालीसाठी आपल्या सगळ्यांकडून त्यांना खूप शुभकामना। आपका पुण्यनगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। तो आप पुणे में आए और आपकी पहचान ट्रांसपेरेंसी के है, ये बिजनेस में सबसे लैकिंग वही है। हम लोग भी रियल इस्टेट में है, हमने भी यही रखा है कि ट्रांसपेरेंट बिजनेस करो, अपने आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो आपके सभी कामों के लिए मालपानी ग्रुप की तरफ से हम चाहे पुणेकडून खूब खूब शुभेच्छा।